नमस्कार दोस्तों, आज के पहले वीडियो में जिसमें मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड तैयारी कैसे करें इसमें समझाने वाला हूं, इसमें हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग से जो टर्बो में लिया है मैंने। और एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए, जहां पे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है क्लियर स्क्रीन, उसके बाद प्रिंट एफ लगाया है जिसमें कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू 23 को मैं प्रिंट करा रहा हूँ यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, जो कि इंटीजर्स के लिए होता है। इनके बाद जो प्रिंट होने के बाद हम चाहेंगे कि रिज़ल्ट दिख जाए, इसके लिए मैंने गेट सी एच लगाया ताकि स्क्रीन कैरेक्टर रीड करने के लिए रुके और हम रिज़ल्ट देख पाएँ कि क्या प्रिंट हुआ। तो सबको मालूम है कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल प्रिंटिंग करने के लिए करा जाता है, जो कि हम लोग चला के देख लेते हैं। पर इसके बाद हम देखें कि ये 23 प्रिंट हो गया क्योंकि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू 23 था वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ। पर इसके अलावा प्रिंट एफ क्या करता है? जी हाँ, प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंटिंग के अलावा एक वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड बाय द फंक्शन। जितने कैरेक्टर प्रिंट किए गए हैं उनकी संख्या कितनी थी वो रिटर्न कर देता है। इसका मतलब है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप समझें, मैंने इस रिटर्न वैल्यू को आई वेरिएबल में स्टोर करा और इंटीजर आई मैंने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि आई में एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी जो कि प्रिंट एफ रिटर्न करेगा। अब आइए प्रिंट एफ फंक्शन का दोबारा इस्तेमाल करके आई वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, और इसमें भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मैंने परसेंटेज डी लगाकर आई वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा लिया। और इससे पहले मैं स्लैश एन लगा रहा हूँ ताकि जो भी नंबर ये प्रिंट होगा ये अगली लाइन में प्रिंट हो। रन करने के बाद देखिए आप आउटपुट जो है वो दिख रहा है कि 23 के बाद 2 प्रिंट हुआ, क्योंकि 23 में दो कैरेक्टर हैं 2 और 3, इसका मतलब है दो कैरेक्टर्स हमारे आउटपुट में नज़र आने लग गए हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रिंट किए वो बता रहा है। अब अगर हम 23 को 23.5 कर देते हैं जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो परसेंटेज डी की जगह मैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी बदल दूंगा, वो मैं यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज एफ लगाया, और अब ये देखिए कि जो 23.5 है इसको लिखेगा 23.5 के बाद 50, क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का वो डॉट के बाद 6 प्रिसीशन लेता है। तो 6 डिजिट ये होगी, डॉट 7वां हुआ, 3 और 2 जो है ये मिलके 8 और 9 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे प्रिंट एफ से, इसलिए आई में वैल्यू 9 प्रिंट होनी चाहिए। देखिए रन करने के बाद पता लग रहा है 9 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो भी प्रिंट हो रहा है। अगर हम अब नया एक काम करने जा रहे हैं कि हम इंटीजर की जगह मान लीजिए एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे का नाम मैंने ले लिया नेम, और उसके अंदर मैंने वैल्यू जो डाली वो डाल दी अपने नाम वाली, मैंने लिख दिया सुखविंदर। तो देखिए सुखविंदर में एक्चुअल में कितने कैरेक्टर्स हैं, SUKHVINDER अगर देखें तो 10 कैरेक्टर टोटल हैं, पर जो हमारा सी है वो लास्ट में स्लैश एन ऐड कर लेता है ताकि जो है एक जो हमारा स्ट्रिंग है वो जो उसका एंड पता लग जाए। तो इसका मतलब 11 कैरेक्टर्स हम लेंथ बता देते हैं नेम की। और अब मैं यहाँ पर 23.5 की जगह नेम वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 23.5 को हटा दिया और यहाँ नेम वेरिएबल लिख दिया। नेम वेरिएबल क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो मैं परसेंटेज एफ की जगह यहाँ पर परसेंटेज एस लिख देता हूँ ताकि जो वैल्यू प्रिंट होगी वो परसेंटेज एस के हिसाब से आ जाए। अब आप देखिए कि परसेंटेज एस में स्ट्रिंग है, तो जब मैं रन करूँगा तो 10 कैरेक्टर मेरे स्ट्रिंग में है पर आखिरी स्लैश एन है, स्लैश एन को नहीं गिनेगा जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है, क्योंकि प्रिंट नहीं करता। स्लैश एन सिर्फ इसलिए है कि उसको पता लग जाए टर्बो सी कंपाइलर को कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए जरा इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो पता लगेगा कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए। जो वैल्यू आएगी वो आई में ही है, सेम प्रोसीजर है पुराना हमारा। अब हम कंट्रोल एफ 9 करके इसको रन करेंगे प्रोग्राम को और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये आएगा सुखविंदर के बाद 10, और हमने यहाँ पर स्लैश एन दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो ये जो है स्लैश एन के बाद 10 आ गया, सुखविंदर के बाद 10 दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो देखें इस तरीके से हमने समझ आज के वीडियो में समझा कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है। अब आप देखिए कि क्या अगर हम इसमें कोई छोटे मोटे चेंज करें, जैसे मान लिया जाए मैंने स्लैश एन यहाँ एक और लगा दिया,
तो अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे रन करने के बाद इस प्रोग्राम को कि आपके हिसाब से पहले आप देखेंगे कि आई क्या आना चाहिए, फिर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें सी के एनवायरनमेंट में, और फिर देखें कि जो आपने सोचा था क्या वही आया। तो आज आशा करता हूँ आज का जो ये लेक्चर है इसमें आपको समझ में आया होगा कि प्रिंटर फंक्शन क्या काम करता है, एक्स्ट्रा क्या काम है जो हम देख पा रहे हैं, और इसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरह के वीडियोस में कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों यारों को बोलिएगा कि ये वीडियो देखें और प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करनी है इसको सीखें। धन्यवाद।